हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंकिता अपने बॉयफ्रेंड मजनू के साथ पार्क में घूम रही होती है, तभी एक भेलपुरी वाले को देखकर मजनू कहता है, ए अंकिता, अरे वो देख भेलपुरी वाला, ए चल रही चल भेलपुरी खाने चलते। मुझे भेलपुरी नहीं खानी, मेरा मन नहीं है भेलपुरी खाने का। अरे यार, हम सुबह से पार्क में घूम रहे हैं, तुम ना खुद खा रही हो ना मुझे कुछ खाने दे रही हो, मुझे तो भूख लग रही है बहुत तेज, तुम्हें आना है तो आ जाओ। मजनू इतना बोलकर भेलपुरी वाले के पास जाने लगता है और अंकिता भी उसके पीछे पीछे जाती है। मजनू भेलपुरी वाले से बोल ही रहा था कि तभी अंकिता कहती है, भैया एक भेलपुरी बना देना पाव भाजी में नींबू मारकर। रे छोरी, ये भेलपुरी वाला है रे, ना कि पाव भाजी वाला। तू क्या बोले जा रही है, और तुझे तो भेलपुरी खानी नहीं है तो तुम अब क्यों आ गई भेलपुरी खाने। अरे जाना रे, पाव भाजी में नींबू मारकर भैया एक भेलपुरी बना दीजिए। मजनू का क्या है, ये तो बोलता ही रहता है। लगता है मैडम को नींबू बहुत पसंद है, तभी तो बार बार नींबू मांगे जा रही हैं। अरे भाई, ये मैडम नींबू के साथ साथ पाव भाजी भी बोल रही है, वो तो तेरे कान में गई नहीं बात, लगा पाव भाजी नींबू मार के, समझा। मजनू, तुम मुझसे आज पहली बार मिल रहे हो ना, तभी तुम्हें पता नहीं है मेरी आदत है पाव भाजी में नींबू मार के, लेकिन कोई बात नहीं, समझ जाओगे जल्दी ही। बिड़ू, हम मिले आज पहली बार, लेकिन अपन एक दूसरे को तो काफी टाइम से जानते हैं ना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे और भी जान जाओगे पाव भाजी में नींबू मार के। बता नहीं रे तू क्या बोले जा रही है, मेरे भेजे में तो कुछ घुसीच नहीं रहा है, चल तू बताएगी तभी तो मेरे को मालूम पड़ेगा ना। भैया जी, आपको समझ आए ना तो थोड़ा हमें भी समझा दीजिएगा नींबू मार कर। अरे भाई, तुम दोनों क्या पिछले जन्म के बिछड़े हुए भाई बहन हो क्या, अरे जो एक ही जैसी बातें कर रहे हो, एक ही हरकतें कर रहे हो। अरे तू पाव भाजी लगाना रे, पाव भाजी में नींबू मार कर। भैया आप भेलपुरी बनाओ मस्त तीखी वाली। अंकिता वहाँ से भेलपुरी खाकर चली जाती है। अंकिता जैसे ही घर आती है तो अंकिता की दूर की मौसी मालिनी आती है। मालिनी अंकिता को जैसे ही देखती है तो वो खुशी से मालिनी को गले लगाती है और कहती है, हाय मेरी बच्ची, कितनी पतली हो गई है तू, तेरी माँ तुझे खाना नहीं देती है क्या? खैर, ना भी देती हो तो क्या, तेरी मौसी आई है ना मुंबई से, अब देख मैं तुझे भर भर के खाना खिलाऊंगी पाव भाजी में नींबू मारकर। आखिरकार मौसी आपको मुझसे मिलने का समय ही मिल गया ना, आपको तो मैं रोज ही फोन करती थी कि आ जाओ मिलने, लेकिन आप तो आती ही नहीं हो। पाव भाजी, बेटा तुझे पाव भाजी खाने का मन है, रुक मैं तेरे लिए अभी पाव भाजी बना कर लाती हूँ। नहीं मौसी, मुझे पाव भाजी तो पसंद है, लेकिन इतनी भी नहीं, पाव भाजी में नींबू मारकर। अच्छा, तो तुझे पाव भाजी में नींबू डालकर खाना पसंद है, तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तेरी मौसी, मैं तेरे लिए अभी झटपट से पाव भाजी में नींबू डालकर लाती हूँ। मौसी आप अभी तो आई हैं और अभी मेरे लिए पाव भाजी बनाने जा रही हो, थोड़ी देर आराम तो कर लो, बनाना क्यों है, हम कहीं बाहर से खा लेंगे ना, आपकी भी मेहनत बचेगी पाव भाजी में नींबू मारकर। बेटा मेरी मेहनत वाली पाव भाजी तू खाकर तो देख, एक बार मेरे हाथ की पाव भाजी खा, फिर पता चलेगा कि तेरी मौसी की पाव भाजी मुंबई में इतनी फेमस क्यों है। अच्छा ठीक है मौसी, आप बहुत अच्छी बनाती हो पाव भाजी में नींबू डालकर, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं अभी तेरे लिए पाव भाजी में नींबू डालकर लाती हूँ। मालिनी इतना बोलकर अंकिता के लिए पाव भाजी बनाने चली जाती है। कुछ देर बाद मालिनी पाव भाजी बना कर लाती है तो अंकिता बड़े ही चाव से पाव भाजी खाती है। अंकिता का तो मानो पाव भाजी में नींबू मारकर मानो तकिया कलाम साहिब बन गया था। अब हर जगह अंकिता बस यही बोला करती। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद अंकिता के पड़ोस में ही एक हरीश नाम के आदमी का देहांत हो गया था। वहाँ आसपास सबकी भीड़ लगी थी। तभी अंकिता हरीश की बेटी पूजा के पास आती है और बोलती है, पाव भाजी में नींबू मारकर यहाँ सफेद टेंट क्यों लगा हुआ है, किसी की डेथ तो नहीं हो गई? हाँ, मेरे पिताजी का आज सुबह ही देहांत हो गया पाव भाजी में नींबू मारकर। जो भी हुआ सच में बहुत बुरा हुआ, हरीश अंकल थे तो बहुत ही अच्छे आदमी, लेकिन ऐसे अचानक से उनके जाने की खबर सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। अंकिता की बात सुनकर वहाँ एक औरत सरिता कहती है, अंकिता यहाँ खड़े होकर बकवास मत करो, तुम देख नहीं रही हो इन लोगों पर इतनी मुसीबतों का पहाड़ टूट गया, तुम ऐसे समय में खाने की चीज की कैसे बात कर सकती हो? पाव भाजी में नींबू मारकर, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया, हरीश अंकल के जाने का दुख तो मुझे भी है ना।
तो मैंने थोड़ा अफसोस जता दिया, तो इसमें बकवास कहाँ से हो गई? जरा मुझे समझाना तो सही। अंकिता, तुम्हें यहाँ किसी ने नहीं रोका है, तो तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? हरीश भाई साहब की लाश के सामने भी तू खाने पीने की बात कर रही है? वो अब नहीं रहे, कम से कम थोड़ा तो सम्मान रख, या फिर भूख लगी तो जा अपने घर जाकर नींबू मार या अपने सर मार। पाव भाजी में नींबू मारकर? अरे आंटी, यहाँ पूजा इतनी परेशान है रो रो कर, उसका बुरा हाल हो गया है और आप बिना बात के ही मुझे सुना रही हो। बेचारे की हालत क्या है देख तो लो, पाव भाजी में नींबू मारकर। अंकिता के इस तकिया कलाम की वजह से सरिता उस पर हाथ उठाने जा ही रही थी कि तभी वहाँ अंकिता की माँ आ जाती है और सरिता को हाथ उठाने से रोक देती है। कुछ देर में अंकिता को उसकी माँ घर ले आती है और उसके सर पर मारते हुए अंकिता की माँ कहती है, तुझमें थोड़ी सी भी शर्म बची है या फिर वो भी पाव भाजी या नींबू को खरीदने के लिए बेच दिया तूने? माँ, आखिर मैंने क्या किया? मुझे भी तो पूजा के पापा के जाने का बुरा लग रहा था, लेकिन वहाँ भी सभी लोग मुझे ही सुना रहे थे और यहाँ आप भी मुझे ही बोल रही हैं पाव भाजी में नींबू मारकर। अरे, तू अपनी जुबान पर ताला क्यों नहीं लगा लेती है? वरना तेरी इस जुबान की वजह से पक्का तेरी किस्मत पर ताला जरूर लगेगा। वहाँ सब लोग इतना ज्यादा परेशान हैं और तू सबके आगे पाव भाजी और नींबू की बात करेगी तो कोई तुझसे प्यार से बात करेगा क्या? बिल्कुल बेअकल है। माँ, ये तो लोगों की गलती है ना, पाव भाजी में नींबू मारकर, इसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो हमेशा से ही ऐसे ही बात करती हूँ। अब लोगों ने मुझे गलत समझा तो गलत कौन हुए, मैं या वो? मैं तुझे तेरे भले के लिए समझा रही हूँ, अभी समझ जा, वरना कल पिटपिटा के घर आई ना तो यहाँ से पट्टी नहीं लगेगी बल्कि तेरी तो डबल कुटाई होगी, समझी तू? अंकिता की माँ उसे समझाती तो है लेकिन ये बात अंकिता को जरा समझ नहीं आती और वो वहाँ से मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों के बाद नवरात्रि थी तो अंकिता की सहेली प्रीति का फास्ट होता है। वो दोनों कॉलेज जा रहे थे, तभी अंकिता प्रीति से कहती है, पाव भाजी में नींबू मारकर, हाय कितनी धूप है आज। देख बहन, मेरे 9 दिन के फास्ट चल रहे हैं तो अभी तू अपना तकिया कलाम पर ताला लगा ले, वरना मैं अभी तो कुछ नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, इतना याद रखियो कि मैं तुझे सबक जरूर सिखाऊंगी। चल पागल, पाव भाजी में नींबू मारकर। प्रीति कई बार अंकिता को समझाती है लेकिन अंकिता नहीं समझती। एक दिन दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे तभी अंकिता का पैर नाले में चला जाता है और वो नाले में गिर चुकी थी। अंकिता को नाले से बाहर निकालने के लिए प्रीति की मदद चाहिए होती है और वो बोलती है, प्रीति मेरी मदद कर, पाव भाजी में नींबू मारकर मेरा पैर शायद फंस गया है, बाहर निकाल मुझे। एक काम कर, पहले तू नींबू और पाव भाजी मार ले। क्या बकवास कर रही है, जल्दी से मुझे निकालना बाहर। मैं नहीं निकाल रही, तू अपनी आदत को तो सुधारती नहीं है, तो पड़े रहे इस नाले में एक दिन। यहाँ पर लोगों के पेट से पाव भाजी और नींबू दोनों ही फ्रेश होकर आ रहे होंगे। यार, तो जो बोलेगी मैं करूँगी, लेकिन पहले तू मुझे निकाल तो सही। अंकिता प्रीति की बात मानने को तैयार हो जाती है और पाव भाजी में नींबू मारकर बोलना ही छोड़ देती है। अंजू बहुत ही शरारती लड़की थी, वो हमेशा किसी न किसी को परेशान करती रहती। उसकी शरारत करने की आदत से मालिनी बहुत परेशान हो गई थी और एक दिन परेशान होकर मालिनी गुस्से में अंजू को कहती है, क्यों रे, तेरी ये शरारत करने की आदत जाएगी कि नहीं, या तू पड़े पड़े मुझे ही परेशान करती रहेगी? माँ, मैं कहाँ कोई शरारत करती हूँ, और वैसे भी आपको अब तो परेशान भी नहीं करती। तू मुझे परेशान नहीं करती, लेकिन जो बाहर के लोगों को परेशान करती है उसका क्या? वो लोग मुझे आकर ही तो बोलते हैं ना। तो अब क्या मैं बाहर जाना भी छोड़ दूँ? तू कुछ मत कर, अब मैं ही करती हूँ, जो भी करना है मुझे ही करना होगा। तेरे लिए अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी कर दूंगी, फिर वहीं करती रहियो अपने सास और पति को परेशान। हाँ, ये भी अच्छा है, इसी बहाने नए लोग तो मिलेंगे, तब नए लोगों के साथ शरारत करूंगी। हाँ, वहाँ जो करना होगा वो करियो, तेरी सास ही तुझे सुधारेगी। मालिनी अंजू की शादी के लिए लड़के देखने लगती है और मालिनी को विनोद नाम का लड़का अंजू के लिए अच्छा लगता है। मालिनी विनोद की माँ चांदनी से दोनों के रिश्ते की बात करके रिश्ते को पक्का कर देती है और कुछ दिनों बाद विनोद और अंजू की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन विनोद जब ऑफिस चला जाता है तो अंजू कहती है, विनोद जी तो ऑफिस चले गए,
अब जाकर माँ जी को परेशान करती हूँ। मेरी शादी हो गई और अभी तक मैंने कोई शरारत भी नहीं की। माँ जी के साथ थोड़ी शरारत तो बनती है। अंजू चांदनी को परेशान करने की सोचती है और जाकर चांदनी की कुर्सी पर गोंद लगा देती है और खुद समोसे खाने किचन में चली जाती है। वहीं चांदनी अंजू के समोसे में बहुत सारी मिर्ची डालकर कुर्सी पर बैठ जाती है। जैसे ही अंजू वो समोसा खाती है तो बाहर आकर चांदनी से कहती है, अरे मम्मी जी ये क्या, आपने समोसे में मिर्च डाली है या मिर्च में समोसे? अरे नहीं, मैंने तो बस थोड़ी ही मिर्च डाली थी, मेरे तो कान से ही धुआं निकलने लगा। चांदनी हंसते हुए कुर्सी से खड़ी होती है तो उसकी साड़ी फट जाती है और वो अंजू से कहती है, अरे बहू ये क्या है, ये गोंद किसने गिरा दिया? वैसे माँ जी आपको बहू अपनी टक्कर की ही मिली है। क्या मतलब है? मतलब ये है आपने मेरे समोसे में मिर्च डालकर मुझे परेशान किया और मैंने आपकी कुर्सी पर गोंद गिराकर आपको तंग किया। क्यों हुई ना मैं आपकी टक्कर की? मुझे तो लगा तू बहुत सीधी होगी लेकिन तू तो मेरी तरह ही निकल गई, तो मैं अब किसके साथ मजे लूंगी? जब हम दोनों एक ही जैसी हैं तो बकरा क्यों ना विनोद जी को बनाए। हाँ बिल्कुल, बहुत ही मजा आएगा। चांदनी और अंजू दोनों की आपस में बहुत बनने लगती है, दोनों सहेलियों की तरह रहने लगी थी। एक दिन दोनों सास बहू बातें कर रहे होते हैं। बहू बहुत आलस आ रहा है, चल कुछ ना खुराफाती करते हैं। मेरे पास तो एक आइडिया भी है। आइडिया है तो बताना जल्दी से। हम दोनों मिलकर विनोद जी की शर्ट को प्रेस करते हुए पीछे से जला देंगे, बड़ा मजा आएगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन विनोद को पता चल गया तो? विनोद जी को बताने कौन जा रहा है, अगर विनोद जी आपसे पूछे तो बोल देना मैंने नहीं किया और मुझसे पूछेंगे तो मैं भी यही बोल दूंगी। अब ठीक है ना, या अब भी डर लग रहा है? अब आइडिया मिल ही गया है तो चलो शुरू करते हैं। चांदनी और अंजू मिलकर विनोद की शर्ट को जला देते हैं और विनोद को पता तक नहीं चलने देते। विनोद वो शर्ट पहनकर ऑफिस चला जाता है और जब ऑफिस में सब उसे देखकर हंसते हैं तो उसे पता चलता है और वो गुस्से में घर वापस आता है, जिसके बाद वो चांदनी और अंजू को जोर से आवाज लगाकर बुलाकर कहता है, ये किसकी हरकत है? अरे क्यों इतना चिल्ला रहा है, ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया, यहाँ मेरी शर्ट जला दी और वहाँ ऑफिस में सब मुझ पे हंस रहे थे और आप बोल रही हो ऐसा क्या हो गया? हाँ तो जली हुई शर्ट पहन कर ही क्यों गए, और जब शर्ट प्रेस नहीं करने आती तो क्यों की? मैंने कब शर्ट प्रेस कर ली, मुझे तो आती ही नहीं है, मैं कैसे करूँगा ये सब? तूने नहीं की तो किसने की, क्योंकि मैं तो अब बहू के आने के बाद एक काम ना करूँ। मुझे तो बोलना भी मत क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं, बस शर्ट प्रेस करना ही नहीं बचा मेरे पास अब। ये देख जब हम दोनों में से किसी ने प्रेस की ही नहीं तो तूने खुद ही की होगी और शर्ट जला दी तो नाम यहाँ लगा रहा है। माँ मैं क्यों जली हुई शर्ट पहन के ऑफिस जाऊँगा? वो सब हमें नहीं पता लेकिन ये आपकी शर्ट हम दोनों में से किसी ने नहीं जलाई। ठीक है फिर मैं ही पहले की कोई जली हुई शर्ट पहन के ऑफिस चला गया हूँ। देखा तूने सच खुद मान लिया, पहले ही शर्ट पहन कर गया है और यहाँ आकर इल्जाम तो ऐसे लगा रहा है जैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ माँ जी चलो अब इनका तो अलग ही ड्रामा लगा है। अंजू और चांदनी वहाँ से चले जाते हैं और विनोद के साथ कभी शर्ट जली हुई तो कभी खाने में मिर्ची डालने वाली शरारते करते, ऐसा रोज रोज कुछ कुछ होने लगा था और विनोद बहुत परेशान हो जाता है और एक दिन कहता है, आखिर ये सब हो कैसे रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, तो फिर ये सब कर कौन रहा है, मुझे पता लगाना चाहिए तभी जाकर माँ और अंजू मेरी बात मानेंगे। अगले दिन अंजू और चांदनी फिर प्लान बनाते हैं और इस बार दोनों विनोद के खाने में नमक ज्यादा कर देते हैं। विनोद दोनों को नमक डालते हुए देख लेता है और जब तीनों टेबल पर खाना खाने बैठते हैं तो चांदनी कहती है, वाह बहू आज खाना कितना अच्छा बनाया है। क्या अच्छा है इसमें, नमक इतना ज्यादा है और इससे अच्छा कह रही हो। आपको ही हमेशा दिक्कत होती है, मुझे और माँ जी को तो बिल्कुल भी नहीं होती। जब खाने में नमक ज्यादा है तो यही बोलूँगा ना। इतने में अंजू की सहेली शीना आती है और शीना को देखकर विनोद कहता है, अरे शीना तुम यहाँ कैसे आई, बड़े दिनों बाद आई हो। मैं तो ऐसे ही मिलने आई थी अंजू से। आओ बैठो ये लो तुम खाना खाओ और बताओ कैसा बना है, अंजू ने बनाया है। शीना को खाना खाते देखकर अंजू चांदनी से कहती है, माँ जी आज तो ये शीना की बच्चे की वजह से पोल खुल जाएगी। हाँ आज तो बुरे फंसे। शीना जैसे ही खाना खाती है तो बोलने लगती है, छी ये कैसा खाना है, नमक ही नमक भरा पड़ा है। क्या तुम्हें भी नमक लग रहा है? नमक ही है तो नमक लगेगा ना।
आप बोलिए आप दोनों, ये किसने किया है? क्योंकि आप लोग तो मुझे झूठा बना देती हो। आप क्या बाहर से आई हुई सीना भी झूठ बोलेगी? हो गया थोड़ा बहुत नमक, वैसे मुझे तो ठीक लग रहा था। हाँ मुझे भी ठीक ही लग रहा था। लो ये वाला खाओ ना, और बताओ कैसा है। नहीं नहीं, ये तो तू अपनी बीवी को ही खिला, मैं ही क्यों खाऊं? आप भी खाओ ना। क्या हुआ, आप दोनों खा क्यों नहीं रही हो? मेरा तो पेट भर गया इसलिए नहीं खा रही हूँ। अब तो झूठ बोलना बंद कीजिए, मैंने आप दोनों को अपने खाने में नमक मिलाते हुए देख लिया था। अब आप ये बताओ कि आप दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों करते थे? बेटा हम दोनों तो बस मस्ती करते थे और कुछ नहीं। हाँ हम दोनों बस थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे थे। आप दोनों की मस्ती के चक्कर में विनोद कितना परेशान हुआ है आपको कुछ पता भी है? तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझे आज ही विनोद ने कॉल पर सब बताया था। आप दोनों को शर्म नहीं है मेरे साथ ऐसा करते हुए और रोज रोज एक नया झूठ बोलते हुए? बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस मस्ती में मस्ती कर गए। माँ जी बिल्कुल सही बोल रही हैं, हमें माफ कर दीजिए। आप दोनों को माफ तो मैं कर दूंगा, लेकिन एक ही शर्त पे करूंगा। कैसी शर्त? यही कि अब से आप दोनों की जो मिली भगत पूरे दिन मटर गश्ती चलती रहती है ना, वो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे हम दोनों। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों विनोद से माफी मांगती है और दोनों सास बहू अपनी मटर गश्ती ना करने के लिए भी मान जाती हैं और खुशी खुशी आराम से रहने लगती हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।